हेलो एवरीवन, मैं सुनील और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू टाटा टियागो 2021 के बारे में। एंड ये इंडियन हैचबैक ऑल न्यू टाटा टियागो अपने सेगमेंट की सेफेस्ट हैचबैक कार है बिकॉज ग्लोबल एंड कैप ने इसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग दी हुई है। एंड आपको टोटल इसमें 6 कलर मिल जाते हैं जिसमें डुअल टोन का भी ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आपको टॉप वेरियंट में मिलता है और मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरियंट लेना चाहते हैं तो आपको XZA एंड XZA प्लस वेरियंट के साथ मिल जाता है। टोटल आपको 4 वेरियंट्स मिलते हैं जिसमें XE, XT, XZ, XZ प्लस एंड ये देख रहे हैं इसका सेकंड टॉप XZ वेरियंट। और बात करें अगर इसके प्राइसिंग की जो आप XZ इसका वेरिएंट देख रहे हैं तो ये आपको 6,07,000 एक्सोरूम पड़ जाता है एंड 6,92,000 ऑन रोड आपको पड़ेगा लखनऊ में। तो काफ़ी देखेंगे अट्रैक्टिव आपको फ्रंट लुक्स इसके मिल जाते हैं काफ़ी बेहतरीन। और फ्रंट में जो आप इसके देख रहे हैं क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह जो काफ़ी इसको अट्रैक्टिव एंड इसके लुक को इन्हेंस कर देता है, काफ़ी खूबसूरत लगती है ऑल न्यू टाटा टियागो इसके फ्रंट लुक से। उससे पहले बात करें अगर इसके इंजन की तो इसमें आपको 1.2 लीटर का रिवोल्टॉन पेट्रोल इंजन मिल जाता है। एंड बात करें की तो इस तरह आपको फ्लिप की मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प पीछे टाटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड दूसरी की देखेंगे तो आपको नॉर्मल दी जाती है और इसका जो 1.2 लीटर का 1199 cc का इंजन है वो 86 PS की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, समथिंग 22 KMPL का माइलेज मिल जाता है आपको ऑल न्यू टाटा टियागो के साथ। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल में और क्या क्या दिया हुआ है। ऊपर रूफ आपको बॉडी कलर में मिलती है एंड फ्रंट में देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बड़ा सा टाटा का लोगो मिल जाता है और ब्लैक फिनिश में आपको पूरी इसकी फ्रंट ग्रिल, यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पूरी क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है जो इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस एंड अट्रैक्टिव बना देती है, जो देखने में काफ़ी बढ़िया से लगेगा, इसका एक अट्रैक्टिव लुक आ जाता है ऑल न्यू टाटा टियागो का। और अभी बात करेगा इसके साइड प्रोफाइल की तो बढ़िया सी हैचबैक कार है एंड इसके जो लुक लाइक्स एलॉयस हैं बट ये स्टील रिम है रियल में एंड काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प्स की यूनिट मिल जाती है, यहाँ पर 10 इंडिकेटर, यहाँ पर फॉग लैम्प क्रोम फिनिश के साथ पूरा टोइंग हुक और यहाँ पे भी देखेंगे ब्लैक पियानो फिनिश का एलिमेंट मिल जाता है। काफ़ी स्टाइलिश एंड स्पोर्टी आपको इसका बम्फर देखने में मिलेगा, ये लोअर ग्रिल और 170 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया है इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग। एंड साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया से लुक निकल के आता है, जो इसके स्टाइलिश रिम दिए गए हैं ये एकदम एलॉयस की तरह लगते हैं बट ये स्टील रिम है। यहाँ पे आपको 14 इंचेस के ये स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं जिसमें फ्रंट के में डिस्क ब्रेक मिलेगी, रियर ड्रम यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग में मिल जाती है एंड टायर साइज देख रहे हैं 175/65 आपको मिल जाते हैं। एंड इसके ORBMs जो कि लॉक अनलॉक करने पर फोल्ड एंड अनफोल्ड दोनों हो जाते हैं एंड ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होंगे। एंड बॉडी कलर में ही आपको इसके ORBMs मिलते हैं, टॉप वेरिएंट में जाते हैं तो ब्लैक पियानो फिनिश में मिलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 इंडिकेटर और इसमें डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में दिए जाते हैं। इस तरह अंदर का इंटीरियर दिखेगा जब आप डोर ओपन करके देखेंगे। तो अब देखिए आप इसकी प्रॉपर साइड प्रोफाइल, बात करें अगर इसके लेंथ के बारे में तो 3765 mm की लेंथ मिल जाती है एंड 1535 mm की हाइट मिल जाएगी आपको ऑल न्यू टाटा टियागो की। और यहाँ पे फ्यूल टैंक मिल जाता है, 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और नीचे ये रियर व्हील जो कि ड्रम होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर बैक प्रोफाइल क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपको टेल लैम्प मिल जाता है जो नॉर्मल हाइलोजन टेल लैम्प मिलेगी, LED का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो टाटा का लोगो मिल जाता है, जस्ट उसके नीचे टियागो की बैजिंग और यहाँ पर आप किसी आप अपने बूट को ओपन कर सकते हैं। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर वाइपर की प्लेसमेंट, डिफॉगर, देन आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये रूफ और यहाँ पे स्पोर्टी पैड मिल जाते हैं ब्लैक पियानो फिनिश में और ये लोकल फॉर वोकल का आपको स्टिकर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग की लगा के इसके बूट को ओपन करते हैं, देखते हैं इसका बूट स्पेस वगैरह। तो इस तरह आपको पूरा अंदर का दिखता है कैबिन जब आप ओपन करते हैं इसका बूट, काफ़ी बढ़िया सा। और ये आपको फोल्डेबल इसकी पार्सल ट्रे मिलती है, इसको हटा भी सकते हैं। एंड 242 लीटर का काफ़ी बड़ा सा आपको बूट स्पेस मिल जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लगेज आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेयर टायर जो 13 इंचेस का होगा, स्टील रिम आपको दिया जाता है। तो अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं इसके बूट स्पेस को, काफ़ी बढ़िया 242 लीटर का मिल जाता है। तो ये है इसकी प्रॉपर बैक प्रोफाइल एंड इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया जाता इस वेरिएंट में, वो आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पर 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं, ये यहाँ पे मिल जाते हैं आपको 2 पार्किंग सेंसर्स एंड टॉप वेरिएंट में इसके ये पार्किंग सेंसर्स रिमूव कर दिए गए हैं, वो आपको उसमें नहीं मिलेंगे बट आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे इसके इंटीरियर में, देखेंगे और क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कोई कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलेगी इसमें। तो डोर ओपन होने के बाद इस तरह आपको डुअल टोन में डोर मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया सी।
एंड डुअल टोन में ही आपको इसका डैशबोर्ड इंटीरियर मिलेगा जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। तो सबसे पहले डोर में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, चाइल्ड लॉक, ऊपर डोर ओपनर और यहाँ पे बॉटल होल्डर, यहाँ पे एक स्पीकर। यहाँ से आप अपने ORBM को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बैठेंगे, उससे पहले ये देख सकते हैं AC वेंट्स के डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया से क्रोम फिनिश के साथ आपको मिल जाते हैं। ट्राई एरो डिज़ाइन सीट, हाइट एडजस्टेबल एंड रिक्लाइन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है इसके सीट में। यहाँ पे फ्यूल लीड ओपनर। तो अब हम लोग बैठते हैं, फिर देखते हैं इसका प्रॉपर डैशबोर्ड एंड इंटीरियर। तो सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तो चाबी को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो की को ऑन करने के बाद कुछ इस तरह आपको दिखेगा इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी सारी चेक लाइट्स, फ्यूल गेज एंड ट्रिप वगैरह आपको सब शो होगा इसमें। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद आते हैं हम लोग इसके स्टेयरिंग में। कुछ इस तरह आपको स्टेयरिंग एंड ऐसा कुछ सेंटर कंसोल मिल जाता है जिसमें ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ हुआ है। ये लेफ्ट वाला AC वेंट जो कि क्रोम फिनिश के साथ आपको इसके सारे AC वेंट दिए जाते हैं। यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें ट्रिप, फ्यूल गेज और स्टेयरिंग में देखेंगे यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड देखेंगे तो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, कॉल्स वगैरह के, ब्लूटूथ के एंड यहाँ ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ हुआ है। काफ़ी बढ़िया सी ग्रिप आपको मिल जाती है और यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स, राइट साइड आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ सेंटर कंसोल में सबसे पहले आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हजार लाइट का कंट्रोल आपको मिल जाता है, बटन क्रोम फिनिश के साथ AC वेंट्स के डिज़ाइन। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पावर्ड बाई हरमन होगा एंड इसमें आपको चार स्पीकर प्लस दो ट्विटर दिए जाते हैं आई थिंक। तो काफ़ी बढ़िया सा आपको इसका टच रिस्पांस मिल जाता है। यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाती हैं एंड ये एंड्रॉयड ऑटो पे कार पे सब सपोर्टेड होगा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। और थोड़ा सा नीचे आएंगे इसके तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड ऑटोमेटिक आपको मिलता है इसके टॉप एंड में। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, ये 5 स्पीड मैनुअल गेयर ट्रांसमिशन एंड AMT का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, कुछ भी सामान रख सकते हैं, दो ग्लास होल्डर्स, ये हैंड ब्रेक। तो ये इसका पूरा आगे का डैशबोर्ड, यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। लेफ्ट वाला AC वेंट्स एंड फ्रंट में आपको दो एयरबैग दिए जाते हैं। यहाँ पे ट्विटर मिल जाएगा और एक इधर ट्विटर। ग्लव बॉक्स में इतना कुछ स्पेस होगा एंड ये कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलता है XZ वेरियंट में। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे डे नाइट IRVM, ये सनवाइजर, यहाँ पे माइक, यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको सनवाइजर में, इधर ग्रैप हैंडल और ये रीडिंग लैंप आपको एक ही दिया जाता है बीच में। पीछे इस तरह पूरा इसका कैबिन दिखेगा काफ़ी बढ़िया सा। तो ये आगे का इसका पूरा इंटीरियर एंड डैशबोर्ड जो काफ़ी बेहतरीन है अपने सेगमेंट की ऑल न्यू टाटा टियागो एंड बढ़िया सा आपको 22 mph का माइलेज भी मिल जाता है एंड सेफेस्ट हैचबैक कार है। तो अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी के बाहर एंड बैठेंगे रियर सीट पे, देखेंगे कैसा क्या कंफर्ट है एंड क्या क्या दिया हुआ है इसके पीछे वाली सीट में। तो की को निकाल लेते हैं हम लोग, डोर को क्लोज करते हैं, फिर चलते हैं इसके रियर सीट पे। तो बॉडी कलर में आपको सारे डोर हैंडल्स दिए जाते हैं XZ वेरियंट में। तो यहाँ पर देखेंगे डुअल टोन आपको डोर मिल जाती है डुअल टोन कलर में, ब्लैक एंड बीच। यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर और नीचे बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट। तो ये इसकी डोर एंड अंदर इस तरह पूरी आपकी फैब्रिक की सीट दी जाती है इसमें। तो अभी हम लोग बैठते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या कंफर्ट है एंड बैठने के बाद इस तरह पूरा आपको इसका डैशबोर्ड दिखता है आगे का। और यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, ऊपर रीडिंग लैम्प। और बात करें अगर इसके लेग स्पेस वगैरह की तो आपको बढ़िया सा लेग स्पेस मिल जाता है इस सेगमेंट की जो कार है उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया एंड अच्छा खासा हेडरूम भी मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रैप हैंडल, पीछे पार्सल ट्रे जिस पर आप हल्का फुल्का कुछ भी सामान रख सकते हैं, ये फिक्स आपको हेडरेस्ट इसमें दिए जाते हैं। तो ये है आगे का पूरा डैशबोर्ड एंड इंटीरियर, काफ़ी बढ़िया अपने सेगमेंट के ऑल न्यू टाटा टियागो। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर। तो ये था पूरा इसका अंदर का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर कवर करने के बाद अब बात करें अगर इस गाड़ी के वारंटी के बारे में, तो आपको टाटा इसमें 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी भी प्रोवाइड कराता है और काफ़ी स्टाइलिश आपको इसमें लुक लाइक्स एलॉयज दिए जाते हैं एंड टॉप एरेंट में जाते हैं तो आपको एलॉयज मिल जाते हैं
एंड जो ORBM देख रहे हो आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिलते हैं, दो चार आपको मेजर चेंजेस मिलेंगे। तो ये है हमारी ओनली टाटा टियागो। और बात कर ले अगर इसके हम लोग सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो आपको ABS विथ EBD, इंजन इम्बलाइजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड डोर हजार वार्निंग जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये था वीडियो हमारा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।